भोपाल कोच फैक्ट्री के कर्मचारी भी लगे मजदूरों की सेवा में। भोपाल नया बाईपास चौपड़ा पर निरंतर बांट रहे पानी की बॉटल, दूध और बिस्किट। नर सेवा ही नारायण सेवा को मानते हुए सीआरडब्ल्यूएस के यशपाल सिंह, अभिनव सिंह, संतोष और संतर कुमार अपने साथी कर्मचारियों की टीम के साथ आपस में चंदा कर निभा रहे मानव धर्म। सिटी रिपोर्टर संदीप शाक्या ने यशपाल सिंह से खास बातचीत की। भोपाल से संदीप शाक्या की रिपोर्ट। और मैं हूँ संदीप शाक्या और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। हम उपस्थित हैं चोपड़ा कला हाईवे पर, भोपाल शहर के चोपड़ा कला हाईवे शहर पर, जहाँ पर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से पानी की बोतल, केले और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बसों को, ट्रकों को रोक रोक कर ये लोग जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से जो सामान का वितरण कर रहे हैं। सर बताएं। हम लोग CRWS रेलवे कोच फैक्ट्री कॉलोनी से हैं और समस्त लोग गरीब मजदूरों के लिए पानी और नाश्ते की व्यवस्था और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी की गई है। हमारे CRWS के सभी, आप देख रहे हैं, ये साथी कर्मचारी लोग हैं और सेवा भाव से नर सेवा ही नारायण सेवा को मानते हुए भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, उनकी भूख मिट पाए और प्यास, इसी हम लोग सोच के चले हैं कि सभी साथीगढ़ एक साथ मिलकर के थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके हम लोग खरीदे हैं सामान और यही हमारी आशा है और विश्वास के साथ हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि मानना है हम लोगों का कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसी उद्देश्य से हम लोग ये सेवा के कार्य कर रहे हैं। और सभी लोगों को हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से मजदूर गरीबों को सहायता करें और समस्त CRWS की तरफ से सभी को धन्यवाद, नमस्कार सभी देश। इसमें शासन की ओर से आपको कोई सहयोग प्राप्त नहीं है, जो भी है आप आपस में जो भी कर्मचारी इकट्ठे? हाँ, ये हम लोग कर्मचारी सभी लोग कलेक्शन करके किया है, शासन की तरफ से कोई नहीं है। अच्छा, शासन की तरफ से कोई नहीं। आपको यहाँ मजदूरों की कोई समस्याएं दिखती हैं, जैसे कि मजदूर आते हैं भूखे प्यासे, कई राज्यों से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से, कई राज्यों से, तो शासन उनके लिए उस तरह की व्यवस्था कर पा रहा है कि नहीं, कि शासन के द्वारा जो सामान उपलब्ध करा पा रहे हैं? कि ज़्यादातर तो सुनने में आता है कि स्वयंसेवी संस्थाएँ जो चल रही हैं, लोग खुद की ओर से जो कर रहे हैं, सिर्फ वो ही ज़्यादातर मिल पा रहा है, शासन की ओर से उस तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? देखिए, शासन की ओर से ये है हमारा मानना कि शासन अपने स्तर से अपनी व्यवस्था कर रहा है और हमारी जो सेवा की भावना है, हम सेवा की भावना के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गरीब मजदूरों और भूखे प्यासों को जितना हमसे बन सकता है सेवा कर रहे हैं और सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, उसका अपन कोई नहीं बोलेंगे सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और हम अपने जो साथीगढ़ हैं हमारे CRWS के, सभी लोग मिलकर के सेवा की भावना से हम लोग कर रहे हैं। आप कब से एक सेवा कार्य कर रहे हैं? ये सेवा देखो, हम पहले भी एक दो बार बांट चुके हैं, ऐसे ही खाना सामग्री, एक बार भोजन और पानी वितरण किया। इसी प्रकार से फिर हमने देखा कि बहुत मजदूर निकल रहे हैं बेचारे, भूखे प्यासे दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, कोई मुंबई से, तो हम लोगों ने सोचा कि सभी लोग मिलकर के फिर दोबारा से एक बार फिर यही क्यों नहीं सेवा की जाए, तो सभी लोगों की सहमति हुई, इसलिए हम लोग फिर से आए और प्रशासन भी सहयोग कर रहा है मजदूरों में, प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं जो भी है। ये सभी लोग आपकी टीम से, बहुत अच्छा लगा कि आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अव्वल है सेवा कार्य में पूरे भारत में, तो बताएं सर, और लोग भी जैसे कि आपने दूध की व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं सभी, तो कैसा लग रहा है आपको सेवा दे करके? वो सेवा दे कर हमको तो बहुत सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा। और यही हमको देख के सब बाकी लोग भी ये करना चाहिए सबको। अच्छा अच्छा, अब आपके बचाव के लिए कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ मास्क भी बांटे गए हैं आपके द्वारा या सिर्फ ऐसे ही सामान? ऐसे सामान है, खाने पीने का सामान बांट रहे हैं। नमस्कार। देखिए, हाईवे पर लगातार तमाम स्वयंसेवी संगठन किसी प्रकार की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। कारों को रोककर, ट्रकों को रोककर लोग पानी, केले, खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। यानी रेलवे के द्वारा, रेलवे कर्मचारियों के द्वारा ये सामान वितरण किया जा रहा था। हम लोगों ने उन लोगों से बात करी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।